नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन तथा जेनरेटिंग फंक्शन सीखेंगे। आइए इस लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं ये आप सीखेंगे। न्यूमेरिक फंक्शन के विभिन्न ऑपरेशंस आप सीखेंगे। जेनरेटिंग फंक्शन क्या है तथा इसका न्यूमेरिक फंक्शन से क्या संबंध है यह सीखेंगे। दिए हुए न्यूमेरिक फंक्शन के लिए जेनेटिंग फंक्शन निकालना सीखेंगे तथा दिए गए जेनेटिंग फंक्शन के लिए न्यूमेरिक फंक्शन निकालना सीखेंगे। अंत में जेनेटिंग फंक्शन की काउंटिंग में कैसे यूटिलिटी हम कर सकते हैं, कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं यह आप सीखेंगे। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट है, जिसमें जीरो भी इंक्लूड किया गया है तथा रेंज रियल नंबर का एक सेट है। हम प्रायः इसे ए आर अथवा ए एन से डिनोट करते हैं, जहां आर अथवा एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। एक एग्जाम्पल देखें, ए आर इक्वल टू ट्वाइस आर प्लस वन जब आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन थ्री हो, तथा आर स्क्वायर जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर हो। मैनिपुलेशन ऑन डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शंस। सम एंड प्रोडक्ट। दो न्यूमेरिक फंक्शंस का सम या प्रोडक्ट भी एक न्यूमेरिक फंक्शन होगा। यदि ए आर तथा बी आर दो न्यूमेरिक फंक्शंस हों, तो इनका सम अथवा प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले हमें दोनों फंक्शंस को आर की समान वैल्यू के लिए डिफाइन करना होगा। एक उदाहरण लेते हैं। यहां पर ए आर तथा बी आर आर की अलग अलग वैल्यूज के लिए डिफाइन है। पहले हम दोनों को आर की समान वैल्यू के लिए लिखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि ए आर तथा बी आर दोनों को पहले 0 to 2, फिर आर इक्वल टू 3 तथा अंत में आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए डिफाइन किया गया है। अब आप इन्हीं इंटरवल्स के लिए ए आर तथा बी आर का सम या प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। समान इंटरवल की वैल्यूज को साधारण तरीके से जोड़ना या गुणा करना है। मल्टीप्लीकेशन विद ए स्केलर। किसी न्यूमेरिक फंक्शन को किसी स्केलर अथवा रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाती है। स्केलर अल्फा को स्केलिंग फैक्टर कहते हैं। मॉडुलस ऑफ ए न्यूमेरिक फंक्शन। मॉडुलस निकालने का अर्थ न्यूमेरिक फंक्शन को पॉजिटिव बनाना है। यदि ए आर पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस वही होगा। यदि ए आर नेगेटिव है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। एस आई ए तथा एस माइनस आई ए ऑफ ए न्यूमेरिक फंक्शन। एस आई तथा एस माइनस आई यह दो ऑपरेटर्स शिफ्टिंग ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो न्यूमेरिक फंक्शन को आई यूनिट फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एस आई ए आर निकालने के लिए आर की 0 से लेकर आई माइनस 1 तक की वैल्यूज के लिए 0 असाइन करेंगे तथा ए आर की डेफिनेशन में आर को आर माइनस आई से रिप्लेस करते हुए नई इंटरवल्स के लिए ए आर को डिफाइन करेंगे, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं। एस माइनस आई ए आर निकालने के लिए पहले ए आर को आर की आई अथवा आई से अधिक की वैल्यूज के लिए डिफाइन करेंगे, फिर आर को आर प्लस आई से रिप्लेस करेंगे। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस। किसी न्यूमेरिक फंक्शन ए आर के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा ए आर इक्वल टू ए आर प्लस वन माइनस ए आर, जहां आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यह होगा, तथा बैकवर्ड डिफरेंस जब आर इक्वल टू 0 होगा तो ए 0 होगा, तथा जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तब ए आर माइनस 1 होगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि पहले हमने अलग अलग आर की वैल्यूज पर डेल्टा ए आर निकाला है। आर इक्वल टू 4 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए फंक्शन समान है, अतः आर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए जनरलाइज तरीके में डेल्टा आर निकाला गया है। इसी तरह हम बैकवर्ड डिफरेंस डेल ए आर भी निकालेंगे। एक्यूमुलेटेड सम। किसी न्यूमेरिक
फंक्शन ए आर के लिए एक्यूमुलेटेड सम आर इक्वल टू के पर ए जीरो से लेकर ए के तक की सभी वैल्यूज का सम होता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि ए आर इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का एक्यूमुलेटेड सम 0 + 1 + 2 अप टू आर होगा, जिसे हम आर आर प्लस वन बाई टू भी लिख सकते हैं। कॉन्वॉल्यूशन ऑफ टू न्यूमेरिक फंक्शंस, यदि ए आर तथा बी आर दो न्यूमेरिक फंक्शंस हों तो ए आर तथा बी आर का कॉन्वॉल्यूशन ए आर स्टार बी आर से डिनोट करते हैं तथा यह ए आई बी आर माइनस आई इस प्रोडक्ट का आई इक्वल टू जीरो से आई इक्वल टू आर तक का सम होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पर 3 raised to power r तथा 2 raised to power r का कॉन्वॉल्यूशन लिया हुआ है। इस सम में 2 raised to power r आई पर डिपेंड नहीं कर रहा, अतः इसे बाहर लेकर शेष जो कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है का सम लिया गया है। जेनरेटिंग फंक्शन, यदि ए आर एक न्यूमेरिक फंक्शन हो तथा ए जीरो ए वन अप टू ए आर इसकी वैल्यूज हो तो इनफाइनाइट सीरीज ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू ए आर एक्स रेज पर आर जेनरेटिंग फंक्शन कहलाती है। यहां पर एक्स एक वेरिएबल है, इसके बदले कुछ और भी लेटर लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यदि ए आर इक्वल टू वन होगा तो यह वन 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 की सीक्वेंस को प्रदर्शित करेगा। ए जीरो कोमा ए वन ए आर की वैल्यूज जी एक्स में रखने पर एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसका सम 1 / 1 - x होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनरेटिंग फंक्शन, यदि ए आर बी आर तथा सी आर तीन न्यूमेरिक फंक्शंस हों तथा ए एक्स बी एक्स और सी एक्स इनके जेनरेटिंग फंक्शन हों तो अल्फा ए आर, जहां अल्फा एक कॉन्स्टेंट है, का जेनरेटिंग फंक्शन अल्फा इंटू ए एक्स होगा। एग्जाम्पल में देखें, 2 raised to power r के लिए जेनरेटिंग फंक्शन 1 / 1 - 2x होता है, अतः 3 × 2 raised to power r के लिए जेनरेटिंग फंक्शन 3 / 1 - 2x होगा। सेकेंड, ए आर प्लस बी आर के लिए जेनरेटिंग फंक्शन ए एक्स प्लस बी एक्स होगा। एग्जाम्पल में देखें, 3 raised to power r प्लस 5 raised to power r का जेनरेटिंग फंक्शन दोनों के जेनरेटिंग फंक्शन का सम अर्थात 1 / 1 - 2x प्लस 1 / 1 - 5x होगा। थर्ड, किसी कॉन्स्टेंट अल्फा के लिए अल्फा रेज पावर आर ए आर का जेनरेटिंग फंक्शन ए अल्फा इंटू एक्स होगा। एग्जाम्पल में देखें, यदि ए आर इक्वल टू 5 raised to power r तथा अल्फा इक्वल टू 3 हो तो 3 raised to power r इंटू 5 raised to power r का जेनरेटिंग फंक्शन 1 / 1 - 3 × 5x होगा। फोर्थ, यदि सी आर ए आर तथा बी आर का कॉन्वोल्यूशन हो तो सी आर का जेनरेटिंग फंक्शन ए एक्स इंटू बी एक्स होगा। एग्जाम्पल देखें तो 3 raised to power r तथा 5 raised to power r के जेनरेटिंग फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब हम देखेंगे, यदि जेनरेटिंग फंक्शन दिया हो तो उसके करस्पोंडिंग न्यूमेरिक फंक्शन कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल में देखें, यहाँ हमने दिए गए फंक्शन 1 / 1 - 4x को जी एक्स की सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड किया तथा एक्स रेज पर आर के कोफिशियंट को देखा, यही ए आर होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए आर इक्वल टू 4 raised to power r। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर जी एक्स दो फंक्शन का सम दिया हुआ है, पहले दोनों को अलग अलग एक्सपेंड किया फिर एक साथ कंबाइन करते हुए जी एक्स की प्रॉपर फॉर्म में हमने लिखा। यहाँ जब r की पावर विषम है अर्थात ऑड है तो 3 raised to power r का कोफिशियंट नेगेटिव है, अतः ए आर इक्वल टू 4 raised to power r प्लस -1 raised to power r इंटू 3 raised to power r होगा। अब हम देखते हैं कि जेनरेटिंग फंक्शन का
काउंटिंग में कैसे प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस अप टू एन सी एन एक्स रेज पावर एन इक्वल टू वन प्लस एक्स रेज पावर एन। अतः वन प्लस एक्स रेज पावर एन के लिए एन सी आर एक न्यूमेरिक फंक्शन होगा। वन प्लस एक्स रेज पावर एन वन प्लस एक्स को एन बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। अतः इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट में से हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वन प्लस एक्स जेनरेटिंग फंक्शन का एक फैक्टर होगा। वन प्लस एक्स को हम एक्स रेज पावर जीरो प्लस एक्स रेज पावर वन भी लिख सकते हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई ऑब्जेक्ट या तो नहीं सेलेक्ट होगा या एक बार सेलेक्ट हो सकता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट अधिकतम दो बार तक सेलेक्ट हो सकता होगा तो उसके लिए जेनरेटिंग फंक्शन का फैक्टर वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें यह पता करना है कि एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इक्वल टू टेन इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। यदि एन वन एन टू एन थ्री सभी दो अथवा दो से अधिक हों, यहाँ पर थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं तथा हर एक दो अथवा दो से अधिक बार सेलेक्ट हो सकता है, अतः प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए जेनरेटिंग फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन होगा तथा एन वन एन टू एन थ्री का सम आर होने के तरीकों को यदि ए आर से हम डिनोट करें तो ए आर के लिए जेनरेटिंग फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन होल रेज पावर थ्री होगा। इस फंक्शन को एक्सपेंड करते हुए यदि हम एक्स रेज पावर 10 का कोफिशियंट देखें तो यह एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इक्वल टू 10 के कुल सॉल्यूशंस बताएगा। यहाँ पर एक्स रेज पावर 10 का कोफिशियंट 15 है, अतः एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री इक्वल टू 10, जबकि हर एक एन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो के कुल सॉल्यूशंस 15 होंगे। इस लेक्चर में हमने डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन तथा जेनरेटिंग फंक्शन और उनके प्रयोग के बारे में सीखा। अगले लेक्चर में हम रिकरेंस रिलेशन के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।